हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा पल्सर 180 UG4 और आज हम इसमें इंजन ऑयल चेंज करेंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए और क्या क्या टूल्स चाहिए उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पल्सर के जितने भी मॉडल आते हैं जिसमें इस टाइप का इंजन होता है, दो वाल्व और दो स्पार्क प्लग वाला, चाहे वो 180 हो, 220 हो, 150 हो, 200 हो, वो सारे इंजन में ये वाला ऑयल लगता है। ये बजाज का ऑफिशियल ऑयल है और इसका ग्रेड है 20W50। तो आपके पास 180, 150, 200, 220 कोई भी पल्सर हो जिसमें यही ग्रेड का ऑयल लगेगा 20W50। आप चाहे कोई भी ब्रांड का लो अपने पसंद का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ग्रेड यही होना चाहिए। ये कंटेनर थोड़ा सा बड़ा है, 1.15 लीटर, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा है, 1 लीटर और 150 ml। ये ऑयल कूलर वाली गाड़ियों के लिए है, 200 cc एवेंजर, 200 cc पल्सर और 220 cc एवेंजर और पल्सर, जिसमें ऑयल कूलर होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डलता है, सिर्फ 1 लीटर से काम नहीं चलता। अब अगर आपके पास ऑयल कूलर वाला पल्सर या एवेंजर हो तो उसमें ये साइज़ वाला डालना होगा, 1.15 लीटर। इसमें तो सिर्फ 1 लीटर ही डलेगा, तो दूसरा एक्स्ट्रा ऑयल हम सेफली अलग से रख लेंगे। पूरा डब्बा खाली नहीं करना है, वो टॉप अप करने के लिए काम आएगा। और टूल्स सिर्फ दो ही चाहिए, प्लायर और 17 mm का टॉर्क रेंच और थोड़े से न्यूज़पेपर सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखने हैं ताकि ऑयल फ्लोरिंग पे गिरे ना। जब भी आप इंजन ऑयल को चेंज करो तो ऐसे ऑयल का डिब्बा रख के एक फ़ोटो खींच लो, जिससे पिछली बार आपने कब ऑयल चेंज किया था, कौन सी डेट को, उस टाइम पे कितने ओडोमीटर की रीडिंग थी, सब कुछ अपने मोबाइल में स्टोर हो जाए। मैं ऐसा पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ। चाहे आपकी कोई भी गाड़ी हो, ऐसे एक फ़ोटो खींच लो तो एक मेमोरी बन जाती है कि कितने ओडोमीटर के रीडिंग पे ऑयल चेंज किया था। मैं इसका ऑयल चेंज 2000 से 2500 किलोमीटर पे कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ढक्कन खोल दूँगा ताकि ऑयल को निकालने में आसानी रहे। और सभी पल्सर का ड्रेन बोल्ट यहाँ पे होता है, देखिए थोड़ा सा गंदा हो गया है क्योंकि हमारे गांव में धूल मिट्टी और कीचड़ बहुत ज़्यादा है, यहीं पे होता है। तो ये वाला ऑयल, यहाँ से ऑयल जब निकलेगा तब ये चैम्बर पे पड़ेगा और ये चैम्बर ये सब ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पे एक प्लास्टिक रख देना चाहिए और नीचे ऑयल का डिब्बा रख लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक पेपर रख लिया है, थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश है, नॉर्मल पेपर से थोड़ा अच्छा है, तो इसीलिए ये वाला ऑयल चेसी पे नहीं गिरेगा। और अब हम इसको साइड स्टैंड पे कर लेंगे ताकि थोड़ा सा बाइक झुक जाए और ऑयल निकलने में आसानी रहे। और वो वाली साइड से हमने ऑयल का ढक्कन भी खोल दिया है और हम इसमें सारा ऑयल डालेंगे, उसके बाद पुराने डब्बे में भर लेंगे। तो अब मैं ऑयल निकालता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और उसके लिए 17 mm वाला टॉर्क रेंच यूज़ करना है। पुराना सारा ऑयल हमें ड्रेन कर लिया है और देखिए ऑयल की कंडीशन,
गरम हो के पतला हो गया है। इसमें मेटल एमरी तो नहीं है लेकिन पतला हो गया है और काला भी हो गया है। अब हम इसको पुराने कंटेनर में भरेंगे, ये वाला बोल्ट टाइट करेंगे और उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और ध्यान रखिए कि ये वाला बोल्ट इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि इंजन का जो क्रैंक केस होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम सॉफ्ट मेटल है। ज़्यादा टाइट करोगे तो उसके जो टर्न होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। पुराने ऑयल निकालने का काम सक्सेसफुली हो चुका है और उसके बाद ही बारिश शुरू हो गई। बारिश ने हमारे काम में रुकावट डाल दी है, लेकिन फिर भी हम लोग काम तो पूरा ही करके छोड़ेंगे। अब नया ऑयल डालना है। और एक आपको छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूँ, ये जो सील होता है ऑयल के डब्बे के ऊपर वो पूरा मत फाड़िए, थोड़ा सा ही कट कीजिए उसको, ताकि मेरे पास बहुत सारे नए और पुराने डब्बे हैं ऑयल के, ताकि जब भी आप इन फ्यूचर 2-3 महीने के बाद खोलो तो आपको पता चले कि ये फ्रेश ऑयल का डब्बा है, पुराना नहीं है। जो भी पुराने होते हैं उसका पूरा सील फाड़ा हुआ होता है। अब ऑयल को भरना है और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आधा दिखे तब तक भरना है, पूरा डब्बा खाली नहीं करना है क्योंकि ये बड़ा है डब्बा। फाइनली हमने नए ऑयल को भर दिया है, देखिए इतने लेवल तक ही भरना है और इतना ऑयल बचा है वो टॉपअप करने के लिए काम आएगा या और किसी काम में काम आ जाएगा। तो आज आपने देखा कि आप घर पे ही इंजन ऑयल कैसे चेंज कर सकते हैं। कंपनी वाले जितना डराते हैं उतना भी मुश्किल नहीं है, ये सब छोटे मोटे काम आप घर पे कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी पल्सर है इस टाइप के इंजन वाला मॉडल, उसमें यही ऑयल लगता है 20W50। दुकान वाला चाहे आपको कोई भी ऑयल दे लेकिन वो आप मत लीजिए और इसी ग्रेड का ऑयल लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।